हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है अभी एक्स आरओजी का लेटेस्ट MIUI 14 बेस्ड एंड्रॉयड 13 बेस्ड नया पोर्ट रोम Mi 11X एंड पोको F3 के लिए। अब इस रोम के अंदर क्या कुछ आपको नए चेंजेस मिलते हैं, उसके साथ इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है और क्या बग्स आपको मिलते हैं उसके बारे में बात होगी। बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग के अंदर और ये है इसका अभी एक्स आरओजी डिवाइस इन्फो। यहाँ पे Xiaomi 12 प्रो से ये पोर्टेड है और बेस वही लिया गया है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रैम अप टू यानी कि मेमोरी एक्सटेंशन अप टू 5GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। MIUI के अंदर अगर आप एंड्रॉयड 13 यूज़ कर रहे हो तो ये फीचर कॉमन हो चुका है, जो कि आगे बताता हूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 13 आपको मिल जाएगा और ये जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है 2022.10.01 से अपडेटेड है। एंड अभी XROG के अंदर जो MIUI वर्जन है वो MIUI 14.2.4 स्टेबल बिल्ड आपको देखने को मिलेगा। अब आई डोंट नो MIUI 14 Xiaomi 12 प्रो के अंदर कहां से आया, बट डेफिनेटली यहां पर MIUI 14 बेस्ड आपको ये वाला जो है अपडेट देखने को मिलेगा। और जो रोम है वो चाइनीज बेस्ड आपको मिलेगी, यहां पे CN मेंशनड है ना, तो ये चाइना बेस्ड रोम है। और यहां पे जो कर्नल है वो पफ का ही आपको देखने को मिलेगा। अब जो अभी एक्स आरओजी वाला अपडेट है इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो आइकन पैक है वो सैमसंग के वन यूआई से अपडेटेड है। ये बेसिकली इसका थीम है, डिजाइंड है। और यहाँ पे अब फीचर्स की बात होगी तो वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर दुनिया भर के भर भर के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप इसको जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो यहाँ पर काफ़ी टाइम ले लेता है, क्योंकि नीचे जो वॉलपेपर्स हैं ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लाइक जो वॉलपेपर्स हैं वो आपके यहाँ पर जो है वीडियो वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं, तो चेक कर सकते हो काफी ज्यादा वॉलपेपर्स हैं। और नीचे भी आपको यहां पर और वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, एनिमे बेस्ड थोड़े ज्यादा वॉलपेपर्स हैं और ये कुछ आपको आरओजी के भी वॉलपेपर्स मिलेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें आपको मिलती हैं। एंड यहां पर अगर हम डिस्प्ले के अंदर आएंगे तो Mi 11X के ऊपर स्पेशली यहां पर आपका जो स्टार्टिंग के अंदर 120 हर्ट्ज है ना वो वर्क नहीं करेगा, इवन 90 हर्ट्ज भी आपका वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको मैजिस को मॉड्यूल का मैं लिंक देता हूं, जिसको आप मैजिस के अंदर फ्लैश करना तब आपका ये वर्क करेगा। और एक और बग है जो कि आगे ही एक्सप्लेन करूंगा फीचर्स के अंदर आपको मैं, एंटी फ्लिकर मोड का ऑप्शन है AI इमेज इंजन के अंदर, ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन टच के अंदर आ जाते हो तो यहां पर वही सारी चीजें हैं, कोई नया चेंज आपको नहीं मिलेगा। कंट्रोल सेंटर MIUI 13 का लेटेस्ट अपडेटेड है और स्टेटस बार के अंदर वही सारे कॉमन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बैक आएंगे और लॉन्चर के अंदर चलते हैं। तो ये जो लॉन्चर है ये वैसे तो एंड्रॉयड 13 बेस्ड रोम के अंदर आपको मिलता है ये वाला, बट इसका लेआउट आपको ओल्ड वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो तीनों लाइट मोड वाला ऑप्शन नहीं आया, तो ये एक ओल्ड सा वर्जन है बट उतना ओल्ड भी आपको नहीं मिलता। बट स्टिल इसके कुछ फीचर्स मिसिंग आपको लगेंगे। एंड जो आइकन्स है इसके कस्टमाइजेशन आपको ये मिलेगी, लेआउट्स 5x6 तक है, रेंज आइटम्स हैं रिसेंट्स के अंदर, नॉर्मल चीज़ें आपको मिलेंगी। अब दूसरा बग यहाँ पर क्या मैंने फेस किया, मैंने फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया था एंड आफ्टर सम टाइम जब मैंने एक दो बार रीबूट किया तो जो फिंगरप्रिंट है वो गायब हो जा रहा था और आपको फिर से उसको ऐड करना होगा। और समटाइम्स अगर आप फिंगरप्रिंट को ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये वापस से एग्जिट हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले लॉक स्क्रीन को अपने को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट के अंदर आप जो है पैटर्न ऐड करना चाहते हो या फिर पिन लगाना चाहते हो तभी आपका फिर से वर्क करेगा। बट हाँ, उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, बट दो बार मेरे को इसको ऐड करना पड़ा है। एंड बैटरी के अंदर वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग है, वॉलेट का ऑप्शन है, मोर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेंगे, असिस्टिव टच वगैरह वही सारे ऑप्शंस हैं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर 90fps का ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे टैप प्लस है, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है जिसमें साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और मेमोरी एक्सटेंशन आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, तो अगर आपको 5GB चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लो या फिर अदर देन और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड किड स्पेस एंड लाइट मोड वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। सो ये फीचर्स आपको मिलते हैं। अब रोम ना उतने ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड फिलहाल नहीं मिलती, एज़ यू नो ये एंड्रॉयड 13 बेस्ड फर्स्ट पोर्ट है अभी XROG की ओर से। और सिंस है MIUI के अंदर एंड्रॉयड 13 अभी उतना स्टेबल आपको नहीं मिलता, बट स्टिल जो रोम है कैपेबल है आपको एज अ डेली ड्राइवर के लिए परफॉर्मेंस एनफ प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर अगर हम स्मूथनेस की बात करेंगे तो पहले तो जो पॉइंट है मेरा वो है कि यहाँ पर जो एप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप लोटेड है, इवन इसका जो स्टॉक कैमरा है वो भी आपको यहाँ पर नहीं
मिलेगा। सो मैं यहाँ पर LMC 8.4 यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैक्रो मोड वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है। आपका जो यहाँ पर स्लो मोशन वीडियोज़ है ना, वो वर्क नहीं करेगा। अदर देन दैट यहाँ पर जो 4K 60 FPS वीडियो है वो सब कुछ वर्किंग है, बट स्लो मोशन के अंदर आपको बग देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई और कैमरा आप ट्राई करते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है 120Hz के ऊपर, एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड यहाँ पर लैग वगैरह आपको नहीं आएगा। और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हो। थोड़ा रैम मैनेजमेंट को भी चेक कर लेंगे, मैं थोड़े ऐप्स और ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, और इवन यहाँ पर ब्लैक होल जो है म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट के अंदर इशू है, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो तो। कुछ ऐप्स आपके यहाँ पर रिस्टार्ट हो रहे हैं, बट एनिमेशन आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन की कमी थोड़ी सी आपको फील हो सकती है अगर आप रैम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो। लेफ्ट साइड में एवॉल्ट है, और ये आपको मिलेगा चाइनीज थीम स्टोर, जिसके अंदर एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी, एंड सबसे पहले जो पॉइंट है वो है यहां पर प्ले स्टोर का। तो डिवाइस आपका सर्टिफाइड मिलेगा, उसके बाद वाइडबैंड L1 है। गूगल फोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पर स्पूफिंग मिल जाती है, एज यू कैन सी यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। एंड ये चार्जिंग स्पीड है इस रोम के अंदर, वैसे 5500 मिली एम्पीयर के आसपास भी मैक्सिमम स्पीड जा रही थी। चार्जिंग के टाइम में मेजर हीटिंग इश्यूज आपको नहीं आने वाले। और ये मेरा बैटरी कंजप्शन है, जिसमें BGMI को भी प्ले किया है, एंड ज़्यादातर मैंने इसको हैवी यूज़ किया है। एंड जो एक्टिव ड्रेन है वो ऑलमोस्ट 15% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन 0.0% पर आर के आसपास है। डीप स्लीप यहाँ पर वर्किंग है, और ये है इसका यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ। अब यहाँ पर 93% तक आपका CPU थ्रॉटल होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे डिवाइस के अंदर Mi 11X के अंदर यहाँ पर जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पर 2.74 GHz तक आ रही थी। तो मैंने FKM के अंदर जाके इसको जो है डायनेमिक प्रोफाइल सिलेक्ट किया, तभी यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड मेरे को मिली। आपको FKM को इंस्टॉल करना है, देन कर्नल सेटिंग के अंदर जाना है, एंड ऑफ कोर्स आपको यहां पर रूट करना होगा, और मिसलेनियस के अंदर जाके इसको इनेबल करना है, देन इसके अंदर क्लिक करके डायनेमिक को सिलेक्ट करना है। तो आपको आपकी मैक्सिमम स्पीड यहां पर मिल जाएगी। सो ये एक वर्क अराउंड है इस चीज के रिगार्डिंग। और ये आपको यहां पर जो है स्कोर्स मिलेंगे Geekbench 5 के ऊपर, और ये Wildlife टेस्ट के अंदर स्कोर्स आप देख सकते हो। तो अब BGMI की बात करेंगे। BGMI के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाएगी, 90 FPS के अंदर भी काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस है। बट कुछ इश्यूज मेरे को लगे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टच के रिगार्डिंग बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हीटिंग की बात करें तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में किया 90 FPS के अंदर, तो 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गया। एंड मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहूँगा कंपेरेटिवली, जब मैंने लेटेस्ट अभी रोम्स काफ़ी ट्राई किए हैं तो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा वार्म आपको हो सकता है फील। बाकी अगर हम बात करते हैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में इशू की, तब आप यहां पर ना एक चीज नोटिस करोगे, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में यहां पर गेमिंग करोगे, आपका जो लाइक आपने फायर किया और उसकी जो साउंड है ना वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देगी, उसके अंदर आपको लेटेंसी फील होने वाली है। तो ये सब चीजें यहां पर मेरे को फील हुई, बट ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो काफी कमाल की है। और कंसिडरिंग ये एंड्रॉइड 13 बेस्ड अपडेट है, तो आने वाले अपडेट के अंदर में भी बेटर चीजें मिलेगी, एंड इसका हॉट फिक्स अपडेट वगैरह भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। डेवलपर का एग्जाम है, तो एग्जाम के बाद में भी आपको हॉट फिक्स अपडेट जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।